कार्यक्रम थोड़ा इस मौके पर पानी भी डालना बेटा, सीधा करके रखना है इसको। ये पाया डालो मिट्टी। हाँ वो तो है। अच्छा मेरा नाम निवृत्ति है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन से हूँ और हम आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और हमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे करो, आपको कोई भी जगह मिलती है तो आपको वहाँ कर लेना चाहिए। अगर आप पेड़ काटते हो तो उसको लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पोल्यूशन आजकल पता है आपको कितना हो रहा है, तो ये सेफ करेगा आपको उससे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घरों को भी इससे पोल्यूशन से बचाए रखें और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाएँ। अगर आप काट रहे हो तो लगाएँ भी ज़रूर क्योंकि ये आपके आसपास के घरों को भी सेफ रखेगा। जी, और क्या क्या एक्टिविटी पिछले तीन दिन से? आप 7 दिन का कैंप हमारा लगा हुआ है तो चांदग्राम में लगा हुआ है, तो आज हमारा फोर्थ डे है ना जी। तो इन 4 दिन में क्या क्या और एक्टिविटी आपकी हुई है? पहले कल हमारी फूड प्रोडक्शन पे स्पीच थी, सर ने दी थी, और फर्स्ट डे पे हमने वहाँ सफाई करी थी। सेकंड डे पे हमने डोर टू डोर कैंप किया था वहाँ पे और लोगों की समस्याओं के बारे में हमने पहचाना था, तो बहुत सारी समस्याएं थी वहाँ पे और बिल्कुल सफाई वगैरह का कुछ पता नहीं था उन्हें, तो हमें उन्हें समझाया है तो अब वो उसका ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू, बताएं हमें आज। मेरा नाम शिम्पी है और मैं GDC वुमेन कॉलेज कठुआ की हूँ, छात्रा हूँ 3rd सेमेस्टर की, और आज हम NSS विंटर कैंप लगा रहे हैं 7 डेज के लिए। तो आज हमारा 3rd दिन है जिसमें हम आज प्लांटेशन कर रहे हैं और इसमें हम अलग अलग प्रकार के प्लांट लगा रहे हैं, जैसे अमरूद हो गया, गावा हो गया, आंवला हो गया, तो इसमें हम आज लगा रहे हैं और हमें इनको रोज़ देखना भी है। तो फिर अगर ये होंगे इससे हमें फ्रूट्स मिलेंगे, हमारी जनरेशन को भी इससे फ़ायदा होगा, इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी और काफ़ी सारे इनसे हमें फ़ायदे होंगे। और हमारे आज लगाने का जो मेन मोटिव ये है कि हमने अपने मतलब अपने घर घर को भी जागरूक करना है कि हमें इससे बहुत सारे फायदे होंगे, और आज हमने यहाँ लगाया और कल हम अपने घर पे लगा के भी लगाएंगे। थैंक यू। डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन कॉलेज के लिए ये हिस्टोरिकल डे है, आज हमारा जो है
एनएसएस का 7 डे लॉन्ग विंटर कैंप का 4th डे है। तो हमें आज बड़ा फ़ख्र हो रहा है क्योंकि 3 दिन बच्चों ने बहुत ही मेहनत करी है, गाँव में गाँव का कचरा जो है उठाया है और गाँव में अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, डोर टू डोर कैंपेन की है, लोगों को अवेयर किया है। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हमारी जो यूनिट है बहुत ही बड़ा कार्य करने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी एनवायरनमेंट के प्रति, प्लांट्स के प्रति, ट्रीज के प्रति अवेयर होना है। और इन बच्चों को देखो जो सुबह के 9 बजे से जहां हार्डवर्क कर रहे हैं, हमने कोई 80 के करीब अलग अलग ट्रीज जो हैं, वैराइटीज के ट्रीज हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिए हैं। इसमें गावा है 15 के करीब ट्रीज जो गावा के हैं, एप्पल है, सॉरी ये मैंगो है, आमला है, सुखचैन है, अर्जुन की शाल है। ये ट्रीज जो हैं आज बच्चों द्वारा इस कॉलेज में जो है लगाए जाएंगे, शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है इनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि नमस्कार जी, जैसा कि आपने बताया ये कैंप साथ तो प्लांटेशन ड्राइव बेसिकली हम कॉलेज में भी कर रहे हैं। अराउंड लगभग 70 से 80 पौधे हम लगाएंगे, मोस्टली इसमें जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है वही लगा रहे हैं। तो एक तो यह है कि ट्रीज़ जो रहेगा वो पूरी उम्र के लिए रहेगा, साथ में ये बच्चों में ये हैबिट डेवलप करें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ज़मीन जो होती है वो छोटी होती जा रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, लेकिन हम इनमें ये हैबिट डेवलप कर रहे हैं इस कैंप के थ्रू, ड्राइव के थ्रू, कि ये अपने यहाँ कॉलेज में नहीं, यहाँ भी इनको जगह मिले, ये अपने गाँव में, अपने आस पास मोहल्ले में, वहाँ पर भी ये पेड़ लगाएं और आगे लाइफ में जब भी इनका जो कैरियर अडाप्ट करें, कभी भी किसी पोजिशन पर ऐसे यहाँ भी मौका मिले इनको, वहाँ इनको बाकियों को भी एनकरेज करना चाहिए कि पेड़ लगाएं। थैंक यू।